आज बनाया आलू की सब्जी और एक है सब सब ढोसा बहुत ही शक और गुड़। बस आज इतना ही बनाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो गया टाइम 1:30 और सारे क्लीनिंग, सुबह का काम, ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज सब हो गया। अभी नहा धो के फ्रेश होके वापस आ गई और पहले से मैं आलू की सब्जी बना के रखा, अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म डोसा। और डोसा आलू की सब्जी बच्चे लोग को बहुत पसंद है, तो वही आज बना रही हूँ। पहले से ही बनाया, उसको पापा को दिया और ये लोग भी अभी लंच करेंगे। तो चलो पहले डोसा बना लेती हूँ। की सूखी सब्जी और इधर बन रहे डोसा, गर्मा गर्म डोसा बन रहे। अरे है डोसे के बैटर, पहले डोसा बना लेती हूँ फिर लंच करूँगी। तो चलो आलू की सूखी सब्जी, ये है मीठे गुड़ और डोसा, सॉफ्टी सॉफ्टी डोसा। अभी डोसा बना लिया गर्मा गर्म डोसा के साथ आलू की सूखी सब्जी, इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कैसे लग रहा है? बहुत टेस्टी है, ये लोग को बहुत पसंद है। तो कभी से मैं चावल दाल भिगो के रखना पड़ता है ना फॉर्मेटिंग के लिए, तो वो नहीं हो रहा था मुझसे, तो इसके लिए थोड़े दिन ब्रेक हो गया। तो आज कल करके रखा था, आज बना लिया। अब गर्मी के टाइम ना बहुत ही अच्छा है, रोज़ रोज रोटी खा के अच्छा नहीं लगता। और ऑयल फ्री है और क्या बोलूँ, टेस्टी है, हेल्दी है। तो अब बनाना भी आसान है, एक बार फॉर्मेट करके बेटर रख दो, दो दिन तक फ्रिज में रह जाते हैं, तो दो दिन तो आराम से खा लेते हैं बना के। कभी इडली बनाओ तो कभी डोसा। तो चलो पहले लंच कर रही थी, आज बच्ची का एग्ज़ाम है स्कूल में, तो 3 बजे से क्लास रेस्ट के लिए, वो भी घर पे है। सुबह ब्रेकफास्ट करके पढ़ा लिया, अभी गर्मा गर्म डोसा बना के तीनों ही खाने बैठ गया। तो चलो खाने को बाद बच्ची को छोड़ के आऊँगी, फिर एडिटिंग बहुत सारा काम रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलती हूँ। अभी ब्लॉगिंग चैनल का जो वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दिया, अभी छोले भटूरे का जो वीडियो बनाया था वो एडिटिंग चालू है। तो चलो पहले एडिटिंग कर लेती हूँ। अभी बच्ची चला गया स्कूल और एक छोटा छोटा पोटैटो है ना, ये अभी बॉईल कर लूँगी कुकर में एक सीटी से, और बाद में काम आएगा। इधर फ्राइंग के लिए पैन रख दिया और इधर मैदा ऐड करूँगी, थोड़ा नमकीन बना। ये मैदा ले लिया, अभी थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी और आटा गूंथ के फिर दिखाऊँगी क्या क्या बनाती हूँ। देखिए ऐसे नमकीन, क्रिस्पी नमकीन बना रही हूँ, 3 टाइप का, ऐसे स्टिक वाला और ऐसे पास्ता वाला और ऐसे गोल वाला, 3 टाइप का नमकीन पहले बेल के रेडी किया आटा गूंथ के। अभी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, अभी फ्राई करूँगी। हाय फ्रेंड, तो किचन में आते ही इतना पसीना हो जाता है ना, एक वीडियो बनाने के बहुत मेहनत लगता है, देख ही सकते हैं। तो मैं आज आई नमकीन बनाने के लिए हली स्पेशल, तो 3 टाइप का बेल के रेडी किया, अभी फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद आप लोग को साथ मिलती हूँ। और कैमरा के लेके आई तो वीडियो भी कर रही। ये है पास्ता शेप का, ये है गोल और ये है स्टिप वाला, तो 3 टाइप का कट के रेडी किया। ऑयल गर्म करने को रख दिया, अभी फ्राइंग करूँगी, बस हो जाएगा नमकीन। बहुत सारा नमकीन बनाया, ये पास्ता शेप का और ये है मटरी शेप का लेयर्स वाला और ये है स्टिक वाला, मेरा ज़्यादा फेवरेट ये है, एकदम फ्रेंच फ्राइज के जैसे क्रिस्पी बनता है। तो लो चलो हम लोग चाय के साथ एंजॉय करेंगे। नमकीन के साथ चाय,
चारों गैस पे खाना बनाना चालू है। ये करी बन रहा है, ऑमलेट बना, राइस बनाया, इधर हल्दी वाला दूध व गोल्डन मिल्क। तो चारों गैस चालू है, अभी डिनर बन रहे। क्या हो गया, क्यों रो रहे? अरे कुछ नहीं हुआ रे, चलो टीवी फोन छोड़ के अब खा लो। एक्चुअली बीटीआर रानी को क्या हुआ पता है? उसको दादा तो बहुत उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन वो चॉकलेट खाते हैं ना, तो चॉकलेट का कुछ हिस्सा रह गया, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो वो सोच रहा है मेरा कीड़ा हो गया, रोने लगा। उसको दादा और चिढ़ाने लगा, बहुत मज़ा आया। हाँ ये तो है, बच्चे लोग को ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, है ना? खाएगा चॉकलेट खाना मजा आता है, और किस में मजा आता है? और खाना खाने में। सोयाबीन डीम एग वो सब बनाया, और लंच करने बैठ गए। 10:30 हो गया, क्योंकि पढ़ाई करते करते बच्चे लोग को अभी एग्जाम है ना, तो इसके लिए थोड़ा डिनर कर रहा हूँ, इसके लिए लेट हो रहा है खाने को, वो बोल रहा हूँ मैं। आज शाम को एक क्रिस्पी क्रिस्पी नमकीन बनाया था, 3 टाइप का, तो वो सब नाश्ता किया। अभी खाने बैठूँ तो फोन आ गया था, किसी का फोन आया तो बात करना तो चाहिए, एडी ब्लेस तो जाना चाहिए, बट बहुत दिन से गया नहीं कोरोना के चक्कर में, तो अभी ये साल का जाने वाला है, देखते हैं। बहुत सारा जैसे शादी का हम लोग को रहता है ना, बच्चे लोग को, छोटा बच्चे लोग को 6 महीने के बाद अन्नप्रसन्न, वो सब बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मैं तो इधर बैठ बैठ के मिस कर रही हूँ सब, वीडियो और फोटो देख रहा हूँ व्हाट्सएप में, और क्या, इतना लंबा है, और बच्चे लोग को पढ़ाई एग्ज़ाम है, तो वो सब छोड़ के नहीं जा सकते ना। मैं तो सबको बताया, जाके सबको मिलूंगी, तभी सब देख के आऊँगी। अभी तुम लोग इंजॉय करो, मैं इधर से है ना, फोन पे है। फोन से इंजॉय करूँगी और क्या। कभी कभी मन में ये भी होता है, माइंड खराब भी होता है, जिस सारे रिलेटिव से कुछ काम पड़ेगा बड़ा, तो फिर हो जाता है एक साथ, और बहुत सारे इंजॉय होता है वो लोग का, और मैं अकेला बैठ बैठ के इधर से देखती हूँ, बट क्या करें, नहीं जा सकता तो ठीक है, वो भी सही, जब जाऊँगी एक साथ पूरा इंजॉय करके आऊँगी। तो चलो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नमकीन का वीडियो बनाया वो मैं शॉर्ट में डाला, आप लोग जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। रेसिपी तो ऑफिस किचन में आप लोग को मिल ही जाएगा।